देखिए बिल्कुल देखिए, ये फैंस का जश्न मना रहा है, फैंस काफी खुश है, फैंस को पता है कि कितने बड़ा मुकाबला है, टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल की है, हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में फैंस भी कर रहे हैं, लेकिन दर्शकों की खुशी देखिए, हर कोई इसी बात से खुश है। लाखों की संख्या में स्टेडियम से लोग निकल रहे हैं, लाखों की संख्या में स्टेडियम से बाहर आ रहे हैं, हर कोई इस बात से खुश है कि टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस किया, पाकिस्तान को आगे आधी बार आना है, मौका मौका तो कहूंगी परफॉर्मेंस देखिए टीम इंडिया का, यहाँ पर रोहित शर्मा के शानदार परफॉर्मेंस कैसे लगा रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस? बहुत ही बढ़िया लगा, मजा आ गया, बाबर और टीम के छक्के छुड़ा दिए, एक नंबर, बहुत मजा है। पाकिस्तान टीम को जिस तरह खेल रहे इस तरह ऐसा लग रहा है जैसे वो अफगानिस्तान से भी नीचे वाली टीम है, उनको बोलो उनका लेवल अप ला रहे, इंडिया बहुत बहुत हाई हो चुका है तो पाकिस्तान को भी अब उनका लेवल हाई करना पड़ेगा तभी वो इंडिया से कंपेयर कर पाएगी। हमारे तो आज ही खुशी का दिन है, आज ही हमारा वर्ल्ड कप आ गया, पाकिस्तान को हरा दिया इस तरह, मतलब वर्ल्ड कप पूरा 100% आ गया अपना। सर कैसा लगा मैच? बढ़िया बढ़िया अमरेश, सो नाइस टू सी यू अगेन, बढ़िया मैच, वी हैड अ ग्रेट टाइम, अमेजिंग टाइम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अच्छा आठवीं बार हराने की ज्यादा खुशी है या वर्ल्ड कप के मैच में बड़े बड़े बार बार हराने की खुशी है? एक बार हारे वो इंसान, बार बार हारे वो पाकिस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा पहला ऑस्ट्रेलिया को हराया, अफगानिस्तान को हराया, पाकिस्तान को हराया, अब यहाँ से कह सकते हैं कि हाँ भैया यहाँ पर वर्ल्ड कप फाइनल में टीम हम लोग, अब बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, नेदरलैंड, टीम इंडिया के आगे झुक के रहना पड़ेगा, वर्ल्ड कप 19 नवंबर को टीम इंडिया ले जाएगी यहाँ से। देखिए फैंस कितने खुश है कि हर कोई को पता है कि क्या हुआ है। कैसा लगा मैच आपको आज का? बहुत अच्छा, मजा आया, क्या मजा आया, रोहित शर्मा ने जो छक्के छक्के लगाए वो मजा देखने में, बहुत मजा आया देखने में। अच्छा अब यहाँ से क्या होगा? ये फैंस की खुशी है, फैंस को पता था कितना बड़ा मुकाबला था, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया ने परफॉर्म किया, खेला है, कहीं से समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान ओडीआई में नंबर वन टीम रही चुकी हो, उसके पास विश्व के अच्छे अच्छे बल्लेबाज, रिजवान हो, बाबर है, अच्छी गेंदबाजी है, लेकिन नंबर वन बनी है आज तक के, आज उसका पाला पड़ा है पाकिस्तान का, अभी तक के बच्चों को हराते रहते नंबर वन बने, जिम्बाब्वे, नेदरलैंड, छोटी टीम हरा के, हमने धोनी को बहुत मिस किया और हम लोग इस बार चाहते हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते और धोनी हमारे वहाँ आए, ऐसा हम लोग चाहते हैं। धोनी आए, बिल्कुल आए, फैन देखे और आ रहे भाजी, उसे आगे आओ, पहले ये बताओ कैसा लगा मैच आपको आज का? बहुत अच्छा मैच लगा आज का, इंडिया ने पाकिस्तान को खूब जोर दौड़ा। अच्छा दौड़ा दौड़ा के हराया? दौड़ा दौड़ा के हराया, रोहित शर्मा ने और श्रेयस अय्यर ने, दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, थैंक यू भाजी, थैंक यू। श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा की लोग तारीफ कर रहे हैं, विराट कोहली और सुमन गिल ने 16 रन की पारी खेली, लेकिन जो उन्होंने नॉक किया, छक्के लगाए, चौके लगाए, कहीं से ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान की गेंदबाजी हमारी बल्लेबाजी को परेशान कर रही है। हाँ जो हम आउट हुए हैं वो हमारी जल्दबाजी थी रन बनाने की, इस कारण हमने कुछ गलत शॉट सिलेक्शन किए हैं जो आउट हुए हैं यहाँ पर, लेकिन पूरे मैच में अगर मैच का रिपोर्ट कार्ड देखें तो ओवरऑल टीम इंडिया
टीम की तरह खेली है, चाहे बैटिंग हो, फील्डिंग हो और बॉलिंग हो। सर क्या बोलना चाह रहे हैं? हमारे सारे बॉलर्स ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म करा, यूसी, बुमराह, कुलदीप, इवन जब एंड में पांड्या, हार्दिक, सबने परफॉर्म करा। और एक चीज और है, अब तक सिर्फ पाकिस्तान में टीवी टूटते थे, लेकिन आज पाकिस्तान में सब कुछ टूटेगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आई होप हम फाइनल में यहीं आए और यहाँ इंडिया जीते और 12 साल बाद इतिहास रचे और वर्ल्ड कप जीते। भारत माता की जय, माता की जय। ये बात तो रवि शास्त्री ने भी आज एडमिट करी कि हमारे बॉलर्स जीत दिलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात रोहित शर्मा ने भी मानी कि आज बुमराह ना होता तो हम अर्ली विकेट्स नहीं गिरा पाते। भारत माता की जय, मौका 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 मौका, वंदे मातरम। देखिए फैंस की खुशी देखिए कि पिछले 2 घंटे से फैंस लगातार बाहर आ जा रहे हैं, निकल रहे हैं, क्योंकि 1,35,000 की कैपेसिटी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम जहां पर 1,35,000 तो सिर्फ दर्शक अंदर आ रहे हैं, बाकी और भी लोग अंदर थे। सर कैसा लगा मैच आपको? आई एम एब्सोल्युटली थ्रिल्ड। दिस मेरी सबसे अच्छी मेमोरी है। मैं दुबई से आया था, मेरा फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान मैच है, शारजा में देखा हुआ है, बट ये इंडिया का एम्बियंस, ऐसा क्राउड, आई डोंट थिंक आई कैन एक्सपीरियंस एवर दिस। आप गुजरात में हो सर? गुजरात में हो? यस यस, वेरी प्राउड। इंडिया इंडिया।